माता दी भोजपुरिया खाना खजाना आपका स्वागत है। आज हम मेलोडी चॉकलेट से घर पे ही आइसक्रीम बनाएंगे। जो मार्केट में मिलने वाली आइसक्रीम है उससे 100 गुनी अच्छी हम घर पे ही बनाएंगे। मेलोडी टॉफ़ी वाली आइसक्रीम बनाएंगे जो खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। सबसे पहले हम मेलोडी टॉफ़ी के छिलके को हटा लेंगे। फिर उसके बाद हमने ये फुल क्रीम दूध लिया है, कोई सा भी आप ले सकते हैं, टोन मिल्क ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं जिसमें फैट ज़्यादा हो वही लीजिएगा। मैंने फुल क्रीम लिया है और उसके बाद हम टॉफ़ी को डाल देंगे और इनको अच्छे से हम चम्मच की हेल्प से मिक्स करते जाएंगे ताकि अच्छे से ये पिघल जाए दूध में और अच्छे से मिल जाए दूध के साथ। मेलोडी आइसक्रीम खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी, एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। देख लीजिए धीरे धीरे ये दूध का कलर चेंज हो गया है, पूरा ब्राउन हो गया है। इसी तरीके से हम मिक्स करते जाएंगे। अब ये पूरा हो गया ब्राउन, अब इसे निकाल लेंगे हम। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे, देख लीजिए। अब कॉफ़ी वाले हम 4 कप लेंगे और इसे ठंडा करके ही इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि अगर हम गर्म डालेंगे तो फ्रीज़र में नहीं रख पाएंगे, इस वजह से। देख लीजिए मैंने ठंडा कर लिया है, अब इसके अंदर एक पे एक करके हम डालते जाएंगे। आपको जितनी जमानी है उतनी आप इसके हिसाब से क्वांटिटी बनाइएगा। देख लीजिए मैंने सब में डाल दिया है। अब इसके बाद हम फॉइल पेपर इसके ऊपर चढ़ा देंगे सबके ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही हमने चढ़ा लेना है सबके ऊपर फॉइल पेपर। देख सकते हैं चढ़ा लिया है हमने इसके फॉइल पेपर, और चक्कू के हेल्प से बीच में इसमें कट लगाएंगे और आइसक्रीम स्टिक को इसके अंदर डाल देंगे। इसी तरीके से हम सब में आइसक्रीम स्टिक को लगा देंगे। देख लीजिए मैंने आइसक्रीम स्टिक को लगा दिया है, अब इसे हम फ्रीज़र में कम से कम 10-12 घंटे के लिए रखेंगे। देख लीजिए रख दिया है हमने ये फ्रीज़र में, अब 10-12 घंटे के बाद ही इसे निकालेंगे तभी अच्छे से जम जाए। अब फ्रीज़र को बंद कर देते हैं हम, देख लीजिए बंद कर लिया। अब देख ही सकते 10-12 घंटे के बाद हम इसे निकाल रहे हैं, ये पूरा जम गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं और देखते हैं कि हमारी आइसक्रीम जमी है कि नहीं। देख लीजिए अब इसे हम पहले फॉइल पेपर हटाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे। देख लीजिए फॉइल पेपर हटा लिया, कितने अच्छे से हमारी इसके अंदर आइसक्रीम जम गई है। अब इसे हम निकाल लेंगे, देख सकते हैं कितने अच्छे से निकल गई है हमारी आइसक्रीम, बिल्कुल मार्केट जैसी बनी है, मार्केट से भी अच्छी बनी है ये। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।